नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो हम आज बात कर रहे हैं कि आज 22 सितंबर का दिन है, दिन गुरुवार का है, 22 सितंबर 2022। विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है 2079, शक संवत 1944 चल रहा है। आज अश्विन मास, जो कि पितृपक्ष है, उसके कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, यानी जिसको हम बारस भी उसमें हिंदी उसमें कहते हैं, हिंदी पंचांग के अनुसार। आज का जो राहु काल है वो कुछ इस प्रकार से है, दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। तो कोशिश करिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य यदि हम ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के पंचांग की हम बात कर लेते हैं, यानी ग्रह गोचर की बात करते हैं। तो देखिए, सूर्य इस समय कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, कन्या राशि में उनका भ्रमण हो रहा है। वहीं चंद्रमा आज कर्क राशि में है और आज अश्लेषा नक्षत्र में उनका गोचर है। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत है। बुध ग्रह भी कन्या राशि में है लेकिन वक्री गति से गोचर कर रहे हैं अपनी उच्चतम राशि में। हमने पिछले हफ्ते भी आपको इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से बुध और गुरु, यदि कन्या गुरु भी चूंकि वक्री गति से मीन राशि में गोचर रत है। वहीं शुक्र इस समय सिंह राशि में है, शनि इस समय मकर राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं, राहु मेष राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन खुल चुकी है। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श इस कार्यक्रम के दौरान आप लेना चाहें, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम रत्न पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे खास बात यह है कि हम एक ऐसे रत्न की चर्चा करेंगे जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है, एक तेज आपके अंदर ला सकता है, और ये रत्न कितना ज्यादा लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है इस पर हम पंडित अरविंद तिवारी जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसे धारण करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हम इसे धारण कर सकते हैं, किस तरह के लाभ इसको देखने को मिलेंगे और इस रत्न को धारण करते समय किस तरह से सावधानी हमें बरतनी है। तो इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी यही रहती है पंडित जी कि हम अलग अलग विषय से हमारे जो दर्शक हैं उनका रूबरू कराएं। आज किस रत्न के बारे में आप हमें जानकारी देने जा रहे हैं जिसे धारण करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल, एक बहुत नया सा रत्न है। हमारे दर्शक शायद उस रत्न के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानते होंगे। रत्न का नाम है टाइगर। देखिए, हमारे अभी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीता छोड़ा है। हालांकि चीते के नाम से कोई रत्न नहीं आता, परंतु टाइगर के नाम से जरूर एक रत्न आता है। टाइगर रत्न अपने आप में बहुत जबरदस्त रत्न है, सोने की तरह चमक दिखाने वाला एक रत्न है। बिल्कुल सोने जैसी धारियां उसके ऊपर होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से उस रत्न के ऊपर धारियां पाई जाती हैं। देखिए, रत्न को आप इस प्रकार से समझिए कि रत्न आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को वो सुलझा देते हैं। कई मामलों में आपके जीवन में आने वाले कष्टों को वो अपने ऊपर ले भी लेते हैं। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कई मामलों में आप देखेंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश में हमको, यदि बहुत बारिश में निकलकर अपने कार्य क्षेत्र पर जाना है, तो
तो हम छाते का इस्तेमाल करते हैं, बरसाती का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार से उस बारिश के जो बूंदे हैं उसे हम भीगे नहीं। इसको एक और उदाहरण से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमको किसी काम के लिए जाना है और वहाँ पर हमारा जाना निश्चित है, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वहाँ जाने के कुछ रास्ते हो सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, एक छोटी कार से जा सकते हैं, एक लग्जरी कार से जा सकते हैं, या हम उस स्थान तक हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं। तो बताने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने में इन रत्नों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, किस तरह से बढ़ा सकते हैं यही हमको जानने में दिलचस्पी भी है पंडित जी। लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई से जुड़ चुके हैं बसंत, हमारे नियमित दर्शक हैं। आपका बहुत स्वागत है बसंत जी, और हम दूसरे कॉलर से भी निवेदन करेंगे कि आप फोन लाइन पर बने रहें। बसंत जी, सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। अमित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार जी। साथ में गुरु जी को मेरा साष्टांग प्रणाम है। और मैं अपनी एक भांजी के बारे में पूछना चाहता हूँ गुरु जी। जी अमित जी, ये थोड़ी तकलीफ कल गया जी जी, तो वो कि मैं बोला मैं तो नियमित हूँ और मैं पता कर लेता हूँ, बताएंगे गुरु जी, तो मैं जल्दी से इनका बता देता हूँ। मैं इनका ईशा गवली जी, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1994। 29/3/1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है जी, और डेट ऑफ बर्थ हो गया, और टाइम है इनका 11:00 PM, रात के 11:00 का जन्म है जी, जी जन्म का स्थान बता दें। भिलाई छत्तीसगढ़ जी। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, सवाल रखें। इनका ना स्वास्थ्य बहुत आजकल बहुत गड़बड़ हो रहा है जी, बहुत बदरत से लेके पूरा सब जगह दिखा दिए बोलते हैं और कुछ ठीक नहीं होता। स्वास्थ्य से संबंधित इनका तो प्रॉब्लम है, या सब स्वप्न में भी इनको कुछ कुछ दिखाई देता है, ऐसे कोई डरा रहा है इस टाइप से, तो प्लीज जी पंडित जी। बसंत भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप इतना स्नेह और प्रेम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम से और हम लोगों से। आपने अपनी भांजी के बारे में पूछा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 29/3/1994 रात को 11:00 भिलाई छत्तीसगढ़ का है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, वृश्चिक लग्न और तुला राशि की जन्म कुंडली है, और स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में बसंत जी इनका जन्म हुआ है। कुंडली में वर्तमान में जो महादशा चल रही है वो शनि की महादशा है, और शनि में शुक्र का प्रत्यंतर है जो कि 2024 तक चलेगा, और इसमें भी वर्तमान का जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा कमजोर है, यानी शनि का ही उपदशा चल रही है जो कि 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। 15 अक्टूबर 2022 तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। उपाय मैं दो बताना चाहूँगा बसंत भाई, आप नोट कर लीजिए और ज़रूर इनको कराइएगा, इससे लाभ उनको अवश्य होगा। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक मोती रत्न जिसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती के बीच का हो पहना दीजिए। दूसरा, इनको स्वास्थ्य में और ज्यादा यदि कमजोरी है तो एक मूंगा रत्न जो कि सीधे हाथ की तीसरी उंगली में तांबे में जड़वाकर आप इनको अवश्य पहनाइएगा। मूंगा और मोती आप देखेंगे बहुत सस्ते रत्न है, बहुत ज्यादा लाभ होगा। मूंगा मंगलवार को प्रातःकाल दिन में 12:00 आप धारण कराइएगा, तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहनाइए, और मोती रत्न सोमवार शाम 7 से 7:30 के बीच में आप पहना दीजिए। बसंत जी, मूंगा और मोती से इनको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, मूंगा और मोती रत्न आप इन्हें धारण करा सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभ होगा। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और अब जुड़ते हैं हमारे अगले दर्शक से, छत्तीसगढ़ से ही इन्होंने कॉल किया है, अंबिकापुर से बात करेंगे कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान पहले बता दें। हाँ, मेरा ही है जी, मेरा जन्म है 24/3/1962। 24/3/1962 समय है सुबह 5:30 सुबह 5:30 का जन्म है जी, अंबिकापुर का जन्म है। अंबिकापुर का जी, प्रश्न करें। प्रश्न ये है कि मैं अभी जो आवेदन लिया हूँ, मेरा बेटा वो एरियर से रुका हुआ है 7 साल 4 महीने का जी, तो उससे
यस मेरा पूरा उस आवेदन से निकलेगा कि कुछ कुछ ही मात्रा में निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक प्रश्न। और दूसरा ये है कि मेरा ये जो बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है ये कब तक चलेगी और गुरु की अंतर्दशा कब से शुरू होगी? जी पंडित जी, दो प्रश्न है इनका, पहला एरियर्स को लेकर, दूसरा ग्रहों को लेकर है। जी चलिए कन्हैया जी, हमारे नियमित दर्शक है अंबिकापुर से बात करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है, बुध में राहु का प्रत्यंतर आपके ऊपर चल रहा है। देखिए बुध में राहु का जो प्रत्यंतर है वो चल रहा है आपके ऊपर 12/8/2021 से, और इसकी इसका समापन होगा 29 फरवरी 2024 को। वर्तमान में आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो बुध में राहु, राहु में भी शनि का की उपदशा है जो कि 3 मई 2022 से चालू है और 27/9 यानी इसी महीने की 27 तारीख को उसका समापन होगा, और उसमें एक बार पुनः बुध की उपदशा प्रारंभ होगी जो कि 27/9/2022 से प्रारंभ होकर 6 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो ये तो आपकी दशा वाला प्रश्न हो गया। दूसरा आपने अपने एरियर के बारे में पूछा है। देखिए बुध आपकी कुंडली, चूंकि कुंभ लग्न और तुला राशि की आपकी जन्म कुंडली है कन्हैया जी, जिसमें बुध जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है 19 डिग्री का होकर मंगल और बृहस्पति के साथ लग्न में बैठा हुआ है। देखिए बुध के बारे में दो बातें आपको बताना चाहूंगा। बुध ग्रह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि नपुंसक प्लेनेट माना जाता है, यानी जिसमें अपने आप में कोई पावर नहीं होती। आप ऐसे कह लीजिए कि पावर विदाउट पोर्टफोलियो टाइप में मंत्री हैं। अब क्या करें, इनको पावर देना है तो इनका रत्न धारण करना पड़ेगा, और यदि आप इनका रत्न नहीं पहन सकते हैं तो आप इन इस हेतु इनके मंत्र की पूजा अर्चना कर लीजिए तो उससे भी आपको लाभ होगा। पर मेरा मानना है कन्हैया जी, आप बुध के रत्न को अवश्य धारण करिए जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनी। आपने कहा कि आपके एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है, तो देखिए तुला राशि में वर्तमान में केतु आपकी राशि में ही बैठा हुआ है जो कि आपकी राशि में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करता है। तो आपको इस ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए आपको ये मानकर चलिए कि आपका कोई काम अभी एकदम पूरा नहीं हो पाएगा। आप सोचते हैं कि एकदम सारी चीजें आपको प्राप्त हो, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो मैं आपको एक ही चीज की सलाह देना चाहूंगा कि आप प्रयास करते रहिए, और प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, आप प्रयास करें और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगली दर्शक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं योगिता। योगिता जी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जन्म की पूरी तिथि समय और स्थान बताएं फिर आपका सवाल करें। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूं, शादी के लिए, शादी का जी 15 फरवरी 1997 इनकी बेटी की जन्म तिथि है। जी जन्म का समय है 12:31 12:31 जी 31 मिनट 12:00 दोपहर का जन्म है, दोपहर का है जी, दोपहर का जी। स्थान रायपुर जी। प्रश्न करें, शादी का योग इसका कब तक बन रहा है और इसके कुंडली में सरकारी नौकरी है कि नहीं ये जानना था। जी बेटी के विवाह और सरकारी नौकरी को लेकर इनका प्रश्न है। जी बिल्कुल, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहले एक बार आपके बिटिया की कुंडली के बारे में योगिता जी बता देता हूं। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि का कुंडली है और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। नौकरी के भाव का स्वामी ग्रह शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में सूर्य बैठा है। तो सरकारी नौकरी के बारे में प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है सफलता अवश्य मिलना चाहिए। परंतु योगिता जी वर्तमान में समस्या ये चल रही है कि इनके ऊपर जो महादशा है वो है राहु की जो कि 2011 से चल रही है और 2029 तक चलेगी, और राहु में केतु का प्रत्यंतर है जो कि 17 नवंबर 2022 तक चलेगा। उसके बाद शुक्र का प्रत्यंतर आएगा 17 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2025 के बीच में। तो इस दौरान वो यदि प्रयास करती हैं तो सफलता मिलेगी। एक उपाय मैं जरूर बताना चाहूंगा, कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह है बुध और नौकरी के भाव का स्वामी ग्रह है शनि, तो बुध और शनि से जुड़े हुए उपाय कराएं। संभव हो तो एक पन्ना रत्न यदि सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सोने चांदी या अष्ट धातु में जड़वाकर योगिता जी आप पहनाती हैं इस बच्ची को, तो मुझे लगता है
सफलता प्राप्त अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल इन उपायों को कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से, कैलाश। कैलाश जी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जन्म की पूरी तिथि समय और स्थान बता दें। नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी को सत सत प्रणाम। मेरा श्राद्ध से संबंधित विशेष प्रश्न है जी। ये हम अपने पूर्वजों को साल में दो बार भोजन कराते हैं, एक अंतिम संस्कार तिथि जो मुख्य जिस दिन अंतिम संस्कार होता है महीना और पक्ष तिथि और एक श्राद्ध तिथि, इन दोनों में महत्वपूर्ण किसको माना जाए या दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है? अगर चूक हो श्राद्ध तिथि से या उससे तो फिर किस पर ध्यान रखे ये बता नहीं कर पाता रहे जी। चलिए कैलाश जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न है और इस समय पितृपक्ष का जो पखवाड़ा चल रहा है आपने उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि होती है श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि श्राद्ध कर्म में पितरों के हम पितरों को याद करने का पखवाड़ा मनाते हैं और इसमें जो तिथि होती है उदाहरण के तौर पर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक यानी 16 दिवसीय ये पखवाड़ा होता है। अब आपके जो पूर्वज हैं या जिनके निमित्त आप ये सारा कुछ करते हैं तो आप उस तिथि के दिन यदि आप ब्रह्म भोज कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं या उनके निमित्त श्राद्ध कर्म जिसमें पिंडदान से लेकर बाकी सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा आपने एक और बात कही है जो कि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, आम तौर पर उसके बारे में दर्शक या जो भी लोग जानते हैं वो भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है वो तिथि भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आप दोनों तिथियों पर करें जिसमें आपके पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ है, जिस दिन हमारे यहाँ हम किसी पूर्वज को दाग देने यानी अग्नि संस्कार करने जाते हैं, तो वो तिथि भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और वो महीना तिथि दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन श्राद्ध का महत्व, श्राद्ध पक्ष का महत्व हमारे गरुड़ पुराण में और हमारे पुराणों में कहा गया है कि आपने यदि इस तारीख को अपने पितृ को याद किया है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। देखिए पितृलोक में जल नहीं है, इसलिए पितृ भूखे प्यासे इस धरती पर यानी जब जिस समय कन्या राशि और सिंह राशि में सूर्य होता है तो ऐसा माना जाता है कि पितृलोक पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है, तो वो आ जाते हैं आपके पास तक और आपके पास खड़े होकर वो बहुत याचना से देखते हैं कि हमारे जो हमारे वंशज हैं हमारे निमित्त वो जल का तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, हमारे लिए पिंडदान करेंगे और 5 तरीके से भोजन कराएंगे यानी ब्राह्मण भोज कराएंगे, गाय को भोजन देंगे, कुत्ते को कुछ खिला देंगे और कौवे को भोजन कराएंगे, चींटी को भोजन कराएंगे, उनके माध्यम से किसी के भी माध्यम से वो उस को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो कैलाश जी आप यदि ये दोनों करते हैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल, अगर इसी परामर्श के लिए पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं दर्शक, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम बढ़ते हैं विषय की ओर वापस बात करेंगे। पंडित जी आप हमें टाइगर स्टोन पर जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल टाइगर स्टोन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्टोन होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये बहुत ही सस्ता स्टोन होता है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस स्टोन की कुछ खासियत है, एक तो जातक के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। यदि आपके मन में लगातार बुरे ख्याल आ रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आत्मविश्वास की कमी है, कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं तो कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मन आपका लगातार अप्रसन्न सा बना रह रहा है और आप लगातार बेहद परेशानी में बने हुए हैं, तो उस स्थिति में टाइगर स्टोन अपने आप में बहुत लाभकारी होता है। देखिए ये टाइगर की आकृति जैसा होता है, कई मामलों में टाइगर की जो आंखें होती हैं बिल्कुल उस तरह से भी हमको ये दिखाई देता है, जिस प्रकार कैट्स आई यानी लहसुनिया जो कि केतु के लिए पहना जाता है वो दिखाई देता है, वैसे ही टाइगर स्टोन टाइगर की आंख या उसके धारियों के समान दिखाई देता है। देखिए ये हर ग्रह के लिए रत्न माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रत्न ये जो माना जाता है वो सूर्य के लिए माना जाता है। देखिए सूर्य जैसा कहा जाता है सूर्य के बारे में, यदि जातक को यश मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो सूर्य को मजबूत कर ले, लेकिन माणिक रत्न पहनना अपने आप में बड़ा महंगा होता है। टाइगर स्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन यदि आप सूर्य के निमित्त पहन रहे हैं तो सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका में आप चांदी में सोने में या अष्ट धातु में जड़वा कर पहन लीजिए। यदि आप अपने जीवन में बुध ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इसको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका में
आप सोने चांदी अष्ट धातु में बनवाकर पहन लीजिए। यदि आप अपनी कुंडली में राहु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पहनना चाहते हैं या शनि को मजबूत बनाने के लिए पहनना चाहते हैं तो सीधे हाथ की मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। यदि आप अपने जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी जो पहली उंगली है उसमें आप सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर पहन लीजिए। तो कुल मिलाकर टाइगर स्टोन हर ग्रह को मजबूत करने का काम करता है। यदि आप उंगलियों में नहीं पहनना चाहते तो आप गले में पहन लीजिए। ऐसे लोग जिनको दुस्वप्न आते हैं, सपने में डर जाते हैं, कहीं जंगल या अकेले में रहने से जिनको डर लगता है, आत्मविश्वास की घोर कमी जिनकी कुंडली में पाई जाती है, उनके लिए ये टाइगर स्टोन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, धारण करें, अनुभव करें और कोई समस्या हो तो इससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल निजी परामर्श भी आप पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, हम बात कर लेंगे दैनिक राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है। देखिए, किसी से भी अनावश्यक बहस करने से बचिएगा। बहुत सारे लोग आपसे अनावश्यक झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपको तनाव देने की कोशिश करेंगे, तो आप बिल्कुल बढ़िए। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी साधारण रहेगी। प्रेम संबंधों से थोड़ा बचने की कोशिश करें, परंतु चिंता ना करें, शुक्रवार की दोपहर से समय स्वतः ही ठीक होगा। अभी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। सितारे आपके पक्ष में है, धन मिलने की संभावना है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा और यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी अवश्य रह सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है। समय की अनुकूलता के चलते कामकाज में उपलब्धि प्राप्त होगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रह सकती है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो गया है। देखिए, अब चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, परेशानियां तनाव दूर होंगी। सलाह यही है कि जरूरी कामकाज जितने भी हैं उनको बहुत सोच समझ कर करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। कुल मिलाकर समय काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, जिसके चलते आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कामकाज की स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रित रखें, लोगों से बहस इत्यादि ना करें, धन का खर्च बढ़ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगली राशि यानी कन्या की हम बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर है। एकादश भाव का चंद्रमा लगातार आपकी मदद करता रहेगा, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी, तो आप अपने कार्यों को तेजी से संपन्न करें, योजना बनाकर काम कर लें और सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक काम है शुक्रवार तक अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। ग्रह लगातार आपको सहायता कर रहे हैं, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से और बढ़िया हो रहा है। शिक्षा, प्रतियोगिता, कार्य क्षेत्र, संतान और पिता से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन आपका बहुत बढ़िया है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय लगातार कमजोर बना हुआ है। देखिए, अष्टम भाव का चंद्रमा आपको तनाव देगा, मन अप्रसन्न बनाए रखेगा, कामकाज की स्थिति काफी कमजोर रहेगी, लोग आपसे बहस करेंगे, यात्रा आपकी कमजोर रहेगी, हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगली राशि की चर्चा करेंगे, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज और बढ़िया है। सप्तम भाव में चंद्रमा आपके मन को प्रसन्न रखेगा, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी, लोग आपका सहयोग लगातार करते रहेंगे। कुल मिलाकर
तनाव दूर रहेगा, संतान और संबंधों से जुड़े हुए कार्यों में आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है। छठे भाव का चंद्रमा आपके विरोधियों की संख्या में कमी लाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। देखिए अच्छा समय चल रहा है तो आने वाले दिनों में इसका भरपूर तरीके से लाभ आप अवश्य उठा लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो गया है। तनाव और परेशानियों से अब आपको मुक्ति मिलेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, शासन और प्रतियोगिता से जुड़े हुए काम आपके आसानी से संबंध होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ सितारों के चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।